दोस्तों हर रीजन में ऐश सफर करता है तो वहाँ के पोकेमोन जरूर पकड़ता है, क्योंकि एक परंपरा बनाई है पोकेमोन वालों ने कि ऐश जिस भी रीजन में ट्रैवल करेगा वहाँ जिम लीडर से बैटल करते वक्त और इवन लीग में वो उसी रीजन के पोकेमोन का इस्तेमाल करेगा। पिकाचू ऐश का पहला पोकेमोन है, इसलिए ये ऐश के साथ हर रीजन में हमें दिखाई देता है। अब मैंने कहा ऐश लीग में उसी रीजन के पोकेमोन से बैटल करता है, लेकिन मैंने ये मेजोरिटी में कहा है। जोटो लीग में ऐश वर्सेस हैरिसन के मैच में ऐश अपने कैंटो के पोकेमोन चारिज़ार्ड का यूज करता है। ऐश वर्सेस टोबास के मैच में जो सिनो लीग में हुई थी, इसमें ऐश अपने चोटो के पोकेमोन को ले जाता है। सो हम बात कर रहे हैं ऐश के उन पोकेमोन की जो रेयर हैं। यहाँ रेयर पोकेमोन का सिलेक्शन हम एबिलिटी, फेनोमेना, लुक्स के बेसिस पर तो करेंगे ही, साथ ही अगर किसी रीजन में ऐश ने एक्चुअल में कोई रेयर पोकेमोन नहीं पकड़ा है तो भी हम उस रीजन में ऐश के पोकेमोन के कंपैरेटिवली पोकेमोन में कुछ न कुछ रेयर क्वालिटी खोजेंगे। वेलकम है गाइस इस वीडियो में, एंड साथ में मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में हम स्टार्टर पोकेमोन को रैंक नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी रेयर होते हैं और ऐसा करने से हर रीजन के रेयर पोकेमोन में एक स्टार्टर भी आ जाएगा। सो हाँ गाइस, इस वीडियो में हम ऐश के हर रीजन के रेयर पोकेमोन को एनालाइज करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बात की शुरुआत करते हैं एनिमे के सबसे पहले रीजन जहां ऐश किचम के पास एक्सपीरियंस जीरो था और पहली बार सफर कर रहा था। यहां पर ऐश चार्जार्ड, स्क्वर्टल, बल्बसौर, पिजियॉट, किंगलर और टीस टॉरस को पकड़ता है। थोड़े वक्त के लिए ऐश प्राइमेप को भी पकड़ता है, फिर बाद में इसे रिलीज कर देता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, स्टार्टअप पोकेमोन की रैंकिंग नहीं होगी तो चार्जार्ड, स्क्वर्टल और बल्बसौर हट जाते हैं, बचते हैं पिजियॉट, किंगलर और टीस टॉरस। पिजियॉट और किंगलर दोनों कॉमन पोकेमोन है और ऐसा कुछ खास नहीं है इनमें, लेकिन टॉरस में एक रेयर बात है। टॉरस ऐसा पोकेमोन है जो पोकेमोन गेम्स में पूरे रीजन में सिर्फ सफारी जोन में पाए जाते हैं। आप पूरे रीजन में कहीं भी खोज लें, सफारी जोन के अलावा ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले। और एनिमे में भी ऐश टॉरस को सफारी जोन में ही पकड़ता है, इसलिए कैंटो से ऐश का रेयर पोकेमोन टॉरस है। अब बात करते हैं जोटो की। ऐश ने जोटो में क्विलावा, टोटोडाइल, बेलीफ, हेराक्रॉस, नॉकटाउल और लार्विटार को भी पकड़ा था। एक्चुअली लार्विटार को ऐश के द्वारा पकड़ा नहीं गया था, सो अगर मुझे इस रीजन में रेयर पोकेमोन को सिलेक्ट करना हो तो मैं बिना देर किए लार्विटार और नॉकटाउल को पकड़ूंगा। लार्विटार टायरेनिटार में इवॉल्व करता है और टायरेनिटार एक स्ट्रॉन्ग सूडो लेजेंडरी पोकेमोन बनता है, सो इसलिए लार्विटार ऐश का रेयर पोकेमोन है। नॉकटाउल में कोई यूनिक एबिलिटी या फॉर्म नहीं है, बल्कि ऐश का नॉकटाउल एक शाइनी पोकेमोन है और साथ ही एक नॉर्मल नॉकटाउल के कंपैरिजन में छोटा भी है। आपको नॉर्मल नॉकटाउल जोटो या इवन डिफरेंट रीजन में कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन एक शाइनी नॉकटाउल को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, सो इसलिए नॉकटाउल भी ऐश का रेयर पोकेमोन है जोटो से। बढ़ते हैं हुइन की तरफ। ऐश ने हुइन में सेप्टाइल, टॉरकोल, कॉरफिश, स्वेलो और ग्लेली को पकड़ा था। ये सारे कॉमन पोकेमोन है और इनमें रेयर तो मुझे सेप्टाइल लगता है, पर इसके स्टार्टर होने की वजह से मैं इसे नहीं ले सकता। अब सेप्टाइल नहीं है तो कॉमन पोकेमोन ही बचते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यूनिक क्वालिटी मुझे अगर मिले तो वो मुझे ग्लेली में मिलेगी। ग्लेली को ऐश ने सोरेंट के फॉर्म में पकड़ा था, जिसके पास ब्रांच एवोल्यूशन होता है और साथ ही स्नो रन ग्लेली और फ्रोसलास में इवॉल्व करता है, और ऐश का स्नो रन ग्लेली में इवॉल्व करता है, और ग्लेली की यही बात ऐश के हुइन के सारे पोकेमोन से यूनिक है। अगला रीजन आता है सिनो रीजन। इस रीजन में ऐश इन्फरनेप, स्टारेप्टर, गिबल्स, टोटेरा, ग्लाइस्कोर को पकड़ता है। यहाँ पर इन्फरनेप अपनी एबिलिटी के कॉस्ट रेयर है, बट ये एबिलिटी कुछ और इन्फरनेप में भी पाई जा सकती है और इन्फरनेप एक स्टार्टर पोकेमोन है। अब बात कर रहे हैं बाकी पोकेमोन की, तो उसमें गिबल ऐश का सिनो में सबसे ज्यादा रेयर पोकेमोन है, और जब गिबल गार्चॉप में इवॉल्व करता है तभी एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन बन जाता है, और जब गार्चॉप मेगा इवॉल्व करता है तो इसकी एचपी 700 हो जाती है, जिससे ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बन जाता है। अगला रीजन है यूनोवा रीजन। इस रीजन में ऐश ने पिछले और आगे के सारे रीजन में सबसे ज्यादा पोकेमोन पकड़े थे, जो कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ही। और बात रही इस रीजन में ऐश के द्वारा पकड़े गए रेयर पोकेमोन की, तो मैं क्रोकोडाइल को सिलेक्ट करूंगा, लेकिन क्यों, क्या ऐसा खास है इस पोकेमोन में? तो ये एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन तो है नहीं, ना ही शाइनी पोकेमोन है, ना ही इसमें कोई स्पेशल एबिलिटी है। दोस्तों क्रोकोडाइल को रेयर असल में इसका गॉगल बनाता है। जब ऐश ने क्रोकोडाइल को क्रूको रूप के फॉर्म में पकड़ा था तब ये एक खास तरह का गॉगल पहनता था, और इवॉल्व करने के बाद इसका गॉगल और भी साइज में बड़ा हो जाता है, तो ये एक रेयर बात है ऐश के यूनोवा के पोकेमोन। सो अब आता है कैलोस रीजन की बारी, और यहाँ पर ऐश के जरिए पकड़ा गया हर पोकेमोन अपने आप में बेस्ट है। यहाँ ऐश हाउलूचा, टैलन फ्लेम, ग्रेनिंजा, गुड्रा, नोइवन पकड़ता है, जिसमें रेयर पोकेमोन ग्रेनिंजा और गुड्रा हैं। लेकिन ग्रेनिंजा को क्यों शामिल कर रहा हूँ, ये तो एक स्टार्टर पोकेमोन है, और शुरुआत में मैंने जैसे बताया स्टार्टर पोकेमोन को शामिल नहीं कर सकते हैं। तो देखो ग्रेनिंजा मानता हूँ स्टार्टर है, बट ये एक ऐसा ग्रेनिंजा है जैसा कि पूरे वर्ल्ड में कोई ग्रेनिंजा नहीं है। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, नहीं तो पास्ट में भी एक ग्रेनिंजा था ऐसा ही। तो जरा सोचो, ग्रेनिंजा और ऐश ने भरोसे के लिमिटेशंस को पार करके बॉन्ड फेनोमेना को इंट्रोड्यूस किया था, और ये ग्रेनिंजा को रेयर नहीं बनाता है बल्कि सुपर रेयर बनाता है। और गुड्रा कैलोस में ऐश के द्वारा पकड़ा गया सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है, और सूडो लेजेंडरी पोकेमोन तो रेयर होते ही है। अब बात करने वाले हैं अलोला रीजन की। अगर सबसे ज्यादा रेयर पोकेमोन ऐश ने पकड़े हैं जिस रीजन में, तो वो अलोला रीजन है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक पोकेमोन ऐश
स्मैश के द्वारा पकड़े गए, जैसे कि रॉलेट, इंसिनेरोर, नेगानेडल, मेलमेटल और लाइकन रॉक। नेगानेडल एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन है जो काफी कम ट्रेनर के पास होता है। मेलमेटल एक मिथिकल पोकेमोन है और बचता है लाइकन रॉक। एश ने लाइकन रॉक को रॉक रफ के फॉर्म में पकड़ा था और ये रॉक रफ डस्क फॉर्म वाले लाइकन रॉक में इवॉल्व कर जाता है। और अब बात करते हैं लास्ट रीजन गलार रीजन, और इस रीजन में जो रेयर पोकेमोन एश ने पकड़े हैं वो है ड्रैगनाइट, गेंगर और लुकारियो। सो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं कुछ अलग काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से हो सकता है वीडियो, सो वीडियो को देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो तो, और कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो।